सलाद क्या हो गया? अलेवन चैप्टर नाम क्या हो गया? लिमिट एंड फंक्शन। लिमिट एंड डेडी वेटिव्स। सीमा और अवकलज। सीमा और अवकलज। अब देखो ये जो सीमा और अवकलज है, तो पहले हम बात करेंगे सीमा की, यानी 13वां चैप्टर क्लास 11th का क्या है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। सीमा का प्रयोग आप लोग अपने बातचीत में बहुत बार सुने या प्रयोग करते हैं। लिमिट क्रॉस नहीं करो, लिमिट क्रॉस मत करो। जी सर, कहता है जी लिमिट क्रॉस मत कीजिए, अपने सीमा में रहिए, कहते हैं ना। अब मान के चलो ये कोई क्या है, खेत है। ये क्या है? खेत है। अब मान कोई घेरा नहीं है, घेरा नहीं है, आर नहीं है, उनका कोई सीमा है नहीं, नहीं। तो सीमा एक प्रकार से बाउंडिंग हो जाता है, नहीं हो जाता है। मान के चलो कि खेत है, तो इनका कोई सीमा अभी नहीं है। हम क्या करते हैं कि किसी भी रेखा के द्वारा बांध देते हैं, आर बांध देते हैं, घेरा लगा देते हैं, तो सीमा हो गया। उनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं, उनका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से मान के चलो कि यहाँ पर आपको रहेगा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसका कोई सीमा है नहीं है भी? नहीं सर। एक्स के स्थान पर कोई मान रख देते हैं, जैसे वन रख दिए, तो वन का क्या हो गया स्क्वायर, तो वन हो गया ना। जी सर। यस सर। तो अब देखो इनका मान निश्चित हो गया कि नहीं हो गया? जी सर। क्योंकि अब एक से अधिक होगा नहीं होगा, अगर हम टू रख देते हैं तो दो दूनी क्या हो गया चार। अभी देखो इसमें तो हम कुछ भी मान रख सकते हैं ना। सीमा एक्स टेंस टू ए एफ एक्स टेंस टू एल, तब एल को फंक्शन एफ एक्स का सीमा कहा जाता है। देखो सीमा किसे कहते हैं, जब x टेंस टू ए एफ एक्स टेंस टू एल, तब l को हम क्या कहते हैं, फंक्शन एफ एक्स का सीमा कहते हैं। तब हम l को हम क्या कहते हैं, फंक्शन एफ एक्स का सीमा कहते हैं। उतार लिया। वी राइट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर भी लगा देते हैं। समझ गया? सर जी वो क्या लिमिट किसे कहते हैं, जब एक्स टेंस टू ए एफ एक्स टेंस टू एल, तब एल को फंक्शन एफ एक्स का सीमा कहा जाता है। समझ गया ना? एल को हम क्या कहते हैं, फंक्शन एफ एक्स का सीमा। एक्स टेंस टू ए का मतलब क्या हुआ, एक्स का जो मान है ना ये रखने, ये के स्थान पर रखेगा। समझ गया? एक्स का मान ये रखने पर, यानी ये होता है क्या, इनको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एल। ये जो तीर का निशान है ना, इनको क्या लिखते हैं, टेंस टू। समझ गया ना? टेंस टू। अब देखो एक्स टेंस टू क्या है, ये है ना, तो मान के चलो कि x का मान कभी क्या होता है, ये के बराबर भी हो सकता है, ये से कुछ ज्यादा भी हो सकता है, ये से कुछ कम भी हो सकता है। समझ गया ना?
अच्छा ये जो लिमिट है उतारते चलिए, ये जो लिमिट है इनको हम दो प्रकार से भी लिखते हैं, पहला हो गया एल पी भी लिखते हैं या एल आई एम भी लिखते हैं शॉर्ट में, समझ गया ना। आप देखो लिमिट्स लिमिट इनडिफरेंट, अब देखो अब लिमिट है ना, लिमिट भी दो प्रकार के होते हैं, पहला हो गया आपको इंडिपेंडेंट एल एच लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, और दूसरा क्या हो गया आर एच लिमिट क्या हो गया कंट्रोल हो गया ना। पहला सवाल देखो लिमिट एक्स टेंस टू क्या है थ्री एक्स प्लस थ्री, इनका मान निकालना है, इनका क्या करना है मान निकालना है। तो बोलो एक्स का मान क्या करोगे, इस तीन की जगह रख दोगे, एक्स का मान क्या करोगे तीन प्लस क्या हो गया तीन हो गया आंसर हो गया सिंपल नियम जी साधारण सोचना है। एक्स का मान क्या करोगे एक्स के स्थान पर रख दोगे। अब दो नंबर का सवाल है लिमिट एक्स लिमिट एक्स टेंस टू एक्स माइनस बाइस बटा क्या है साथ है ना, फिर एक्स के स्थान पर अब क्या रखोगे पाए बाईस बटे सात माइनस क्या होगा बाईस बटे सात बराबर क्या होगा। अब जो तीसरा सवाल है इनका लिमिट आर इक्वल टू क्या है वन है पाई आर स्क्वायर है, तो आर का मान देखो क्या रखोगे क्या होगा देखो चौथा सवाल जो इनका होगा लिमिट ये आपको लिमिट एक्स टेंस टू फोर जो कैमरा कवर कर रहा है जी, और फंक्शन इनका क्या है फंक्शन है फोर एक्स प्लस थ्री बाय एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, एक्स का मान क्या करोगे चार के स्थान पर रखोगे तो चार चौके सोलह तीन क्या होगा उन्नीस, और यहाँ पर क्या रखोगे चार माइनस टू तो उन्नीस बटे क्या हो गया दो आंसर जी सर। एक्स टेंस टू माइनस वन एक्स पावर टेन प्लस एक्स पावर फाइव प्लस वन और एक्स माइनस क्या है वन है ना जी सर। बोलो इनका मान निकालने के लिए क्या करोगे, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रखोगे माइनस एक रखोगे एक, तो माइनस एक पर पावर दस माइनस दो माइनस एक पावर क्या होगा एक एक बटे दो माइनस एक एक्स के स्थान पर माइनस एक माइनस एक एक बटा माइनस दो बोलो सम पावर है प्लस माइनस कट जीते सर जी एक बटा माइनस पावर है तो माइनस एक ये खत्म माइनस एक बटे क्या होगा दो दो एक बटा माइनस अब देखो हाँ सर जी माइनस ऊपर फोन नंबर का जो सवाल है सर छोड़ दीजिए सब एक्स टेंस टू इलेवन जीरो है एक्स प्लस वन पावर फाइव माइनस वन बटे क्या है एक्स। एक चीज याद रखिए कि नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए, नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए। यहाँ पर मामला क्या फंसता है कि एक्स का मान डायरेक्ट रखोगे तो नीचे में क्या आ जाएगा वन जीरो, नीचे में क्या आ जाएगा जीरो,
तो नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए, नीचे में जीरो नहीं। तो अब करेगा क्या, दिमाग लगेगा, अब हिसाब को तोड़ेगा, समझ गया। अभी तक तो था एकदम बना बनाया था, एकदम खा लिया, नहीं डायरेक्ट मन रखते गए ना, ये अब क्या करना होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी होल पावर फाइव के फॉर्मूले पर तोड़ो। तो बोलो बाइनोमियल थ्योरम में हमने पढ़ाया है जी सर, ए प्लस बी होल पावर फाइव का फॉर्मूला क्या होगा, ए पावर पांच, जो नहीं लिखे वो जानते हो तो लिख लो, ए पावर क्या होगा फाइव, फाइव ए पावर क्या होगा फोर बी, दूसरा क्या होता है दस, दस ए पावर तीन, तीन वाला उसके बाद बी स्क्वायर्ड दस, बी स्क्वायर्ड पावर, उसके बाद जो है फाइव ए बी पावर फोर प्लस बी पावर, पावर क्या होता है फाइव, ये होता है। उसी प्रकार से इनको भी ना तोड़ेगा, इनको तोड़ेगा तो क्या सम्मान आएगा, अभी लिमिट का मान तो नहीं रखे है जी, तो लिमिट लग ले रहेगा। अब देखो इसके अनुसार एक्स पावर क्या होगा, फाइव होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, पांच है ना, तो शुरुआत वाले पर से एक एक पावर घटते जाता है, शुरुआत वाले पर से एक एक पावर घटते जाता है, तो फाइव एक्स पावर क्या होगा फोर, फाइव एक्स पावर क्या होगा यहाँ पर टेन हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा टेन, एक्स पावर क्या हो जाएगा दो, अब फाइव एक्स, अब प्लस क्या होगा वन पर पावर फाइव, तो वन एन होगा। ये फॉर्मूला आगे देखो लिखाए हैं, इनको जो है कि एकदम बारी बारी से तोड़ के दिखाई थे ना, टेन क्यों हो जाता है, फाइव सी टू, फाइव सी टू का मान क्या होता है पांच गुना चार, दो गुना ये दो दुनी चार, पांच दुनी दस, समझा दस कैसे हो जाता है, ऐसे ये दस होता है। अब देखो ए प्लस बी होल पावर फाइव यानी एक्स प्लस वन होल पावर फाइव, इनको एक्सपेंड किया तो इतना आया, फिर अब यहाँ पर क्या है माइनस एक है ना, तो यहाँ पर क्या रखोगे माइनस एक, बटे नीचे हम क्या दोगे एक्स दोगे ना, ये वन खत्म हो गया। अब एक्स से जो है बारी बारी से सब में भाग देगा, एक्स से बारी बारी सब में क्या करेगा भाग देगा, तो दो तो भाग लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स से इसमें भाग दिया तो क्या होगा एक्स पावर फोर होगा, इसमें भाग देगा तो क्या होगा दस एक्स स्क्वायर, दस एक्स स्क्वायर दस एक्स प्लस क्या होगा एक्स के स्थान पर सब जगह क्या रख दो शून्य रख दो, जीरो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस क्या होगा फाइव, क्या हो गया आठ, ये नहीं बना। तो इसमें आपको क्या है लिखाओ तो लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, थ्री है एक्स पावर फोर माइनस इक्यासी, इक्यासी बटन टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री, थ्री हो गया ना। देखो सब करे
देखो ये लिमिट x टेंस टू क्या है 3 x पावर 4 माइनस 3 क्या है बटा क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 है लिमिट x टेंस टू 3 अब देखो x पावर 4 को x का वो इस तरह ये लिख सकते हैं ना अब देखो ये 2x स्क्वायर हो गया ये माइनस हो गया अब देखो ये 5x है ना इनको माइनस 6x प्लस x लिख सकते हैं माइनस 3 हो गया फिर इनका जो है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया क्या आ गया इनको लिख सकते हैं ना एक बार प्लस में एक बार माइनस हां a माइनस b इनटू a प्लस b फिर इस मान को देखो इसमें से 2x आ जाएगा कॉमन इसमें से 1 कॉमन आए इस प्रकार का आएगा x माइनस 3 यहां पर भी क्या हो गया x माइनस 3 x माइनस 3 कॉमन आएगा ठीक है तो प्लस क्या बचेगा 1 अब देखो x स्क्वायर माइनस क्या है 9 इनको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 3 इनटू x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस क्या होगा 9 x माइनस 3 और x ये x माइनस 3 कट गया नहीं कट गया आप देखो ये समान में आप क्या करोगे 3 रखोगे यहां पर 3 रखोगे तो क्या हो गया 3 3 6 रख दिया यहां पर देखो जी सर वहां पर भी 3 3 9 9 और ये इतना मान आएगा कि नहीं आएगा ये देखो लिमिट x टेंस टू क्या हो गया 1 ax² + 3x + हां सर x का मान दे दिए जो हुआ हो गया ना x का मान हम क्या किए एक स्थान पर बैठा दिए तो ये मान आपको प्राप्त हुआ नीचे में x के स्थान पर बैठाए तो आपको ये मान प्राप्त हुआ तो ऊपर में भी abc है नीचे में भी abc है कट गया मान क्या आया एक आया आप देखो 13 नंबर का जो सवाल है लिमिट x टेंस टू क्या है 0 sin ax बटे क्या है bx है तो देखो फार्मूला जो हम जानते हैं वो होता है sin x बटे x इनका मान क्या होता है एक ना होता है यानी एंगल सेम होना चाहिए क्या होना चाहिए एंगल सेम तो लिमिट हो गया x टेंस टू क्या हो गया 0 एंगल देखो क्या है इसका ये x है एंगल क्या है ये x है तो बोलो एंगल जब ये x है तो नीचे में किससे भाग होना चाहिए ax से ना जी मतलब x रहता है तो यहां पर क्या होना चाहिए x अगर ax यहां पर रहेगा तो यहां पर भी क्या होगा ax इसलिए ax है तो आप क्या करोगे ax लिख लोगे लिख लिए ना गुना आप देखो a तो दे दिया लेकिन नीचे में a था नहीं था तो नीचे में भाग दिया तो ऊपर में क्या करना होगा गुना ये जो भी है इसका कोई काम नहीं है इसका कोई काम नहीं है इसको बाहर निकाल लो कांस्टेंट है निकाल दिए बाहर जी सर देखो तो फार्मूला तभी लागू होता है यहां पर x है तो यहां पर भी क्या है x है अब देखो यहां पर x तो है ना जी लेकिन a है लेन है a से दोनों तरफ गुणा करो a से दोनों तरफ क्या करो तो यहां पर क्या हो गया अब जीरो में गुणा करेगा क्या होगा अब देखो ये फार्मूला का फॉर्म पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया ये फार्मूला है इनका फॉर्म पकड़ा कि नहीं पकड़ा यहां पर जो मान होता है वही मान यहां पर होता है वही यहां पर होता है तो देखो यहां पर जो मान है वही यहां पर है वही यहां पर है फॉर्म को पकड़ लिया फॉर्म को पकड़ लिया तो इसका मान क्या होगा 1 होगा 1 गुना a बटा क्या होगा b ये बटे क्या हो गया अभी समझ गया ना तो एक बार फिर समझा वही एंगल नीचे में भी होना चाहिए समझ गया ना यहां पर अगर ए एक्स है तो नीचे में भी क्या होना चाहिए ए एक्स तो मिल गया ए का इन कमी था जी यस सर एक्स मिल गया कमी किसका था ए का था ना कमी तो a गुना कर दिए तो a गुना देखो यहां पर x में a को क्या किया है गुना कर दिए अर्थात नीचे में a से हम क्या किए हैं भाग दिए है ना जी सर ऊपर में से क्या करना पड़ेगा गुना कारण से समझे जैसे मान के चलो कि लिमिट x टेंस टू क्या कर दिए 0 यहां पर आपको क्या है sin bx है तो नीचे में क्या है x n है तो आप फार्मूला पर पकड़ाएंगे जो एंगल है यहां पर भी वही चीज ना होना चाहिए क्या करोगे नीचे में लिमिट अब देखो x टेंस टू 0 sin dx है ना तो नीचे में भी क्या लिख दो कॉमन के भी है b तो ले आए हो क्या b था नहीं था तो क्या करना पड़ेगा गुणा ना 1 गुणा ना हो गया ना अगर यहां पर आपको रहेगा लिमिट x टेंस टू 0 sin 3x और यहां पर आपको रहेगा 2x क्या रहेगा 2x यहां पर 3 है तो यहां पर क्या होना चाहिए तो कुछ भी नहीं सोचना है
आंख मुंह के जो है यहाँ पर साइन थ्री एक्स है लिखो और यहाँ पर लिखो थ्री एक्स लिख दिया। एक्स का हम यूज कर चुके हैं, टू का यूज नहीं किए हैं, तो टू को क्या करेगा वन बाय टू बाहर कर दिया। इसका मान क्या होगा एक, एक गुना क्या होगा, इस प्रकार से आंसर होगा। चौदह नंबर का सवाल क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स साइन बी एक्स, साइन ए एक्स बटा क्या है साइन बी एक्स है ना। तो देखो आपको करना क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और साइन ए एक्स है ना, तो यहाँ पर साइन क्या करो ए एक्स, हाँ एंगल सुधारने के लिए यहाँ पर क्या करोगे भाग दे दिए। अब देखो ये तो दे दिए हो ए एक्स, लेकिन ए एक्स यहाँ पर है नहीं है, तो भाग देगा तो क्या करेगा गुना भी करेगा, उसके बाद आपको लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो गया जीरो साइन बी एक्स, यहाँ पर क्या करेगा बी एक्स, अब यहाँ पर क्या करेगा बी एक्स, एक्स एक्स कट गया, इसका मान क्या होगा। दो दो बार लिमिट एक्स टेंस टू जीरो देंगे, वो दोनों एक ही ना है आपको बताए ना, बताए जी इनका फॉर्मूला जी सर, गुना जोर के लिए घटो के लिए गुना के लिए भाग के लिए बताए थे कि नहीं बताए थे जी सर। अगर मान के चलो कि भाग में है तो लिमिट ऊपर भी लग जाता है नीचे भी लग जाता है नहीं लग जाता है, एक बार लिमिट इसमें लग जाएगा एक बार लिमिट इसमें लग जाएगा, तो भाग के रूप में एक न है एफ एक्स बटा जी एक्स फॉर्मूला देखो ना जी सर, नहीं लिखाए थे जी सर, तो लिमिट जो है एक बार इसमें लग जाएगा एक बार इसमें, यानी जितने फंक्शन आपको रहेंगे वो सभी में लग जाएंगे बारी बारी से। तो ये एक्स और एक्स खत्म हो गया, इनका मान क्या होगा वन ए बटे क्या होगा बी आंसर। अब कौन सा वाला है क्वेश्चन नंबर 15 यही ना नहीं बना है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस x साइन पाई माइनस x बटे क्या होगा पाई इनटू पाई माइनस x पाई इनटू पाई माइनस x। देखो यहाँ पर समस्या क्या है, अगर x का मान पाई डायरेक्ट x के स्थान पर रख दिया जाए, x का मान पाई डायरेक्ट x के स्थान पर रख दिया जाए जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो, तो समस्या बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, समझ गया ना। तो इसलिए आपको करना क्या है कि डायरेक्ट मान नहीं रखना है, समझ गया ना, एक्स के स्थान पर कुछ मान पुट कर दो, कुछ अलग मान हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं। तो बोलो एक्स के स्थान पर पुट वैल्यू ऑफ एक्स, समझ गया, तो एक्स के स्थान पर हम क्या पुट करें पाई माइनस एक्स या पाई प्लस एक्स, क्योंकि पाई को भी कटाना है, तो पाई माइनस एच करे कि पाई प्लस एच, बोलो क्या करे पाई माइनस एच या पाई प्लस एच, पाई माइनस एच, तो पाई माइनस क्या हो गया एच कर दिए या एच बराबर क्या होगा पाई माइनस एच। आप देखो एक्स टेंस टू क्या है पाई है जी, एक्स टेंस टू क्या है पाई, तो एक्स के स्थान पर क्या रखोगे बोलो तो पाई नहीं रखोगे, जब चेंज कर रहे हैं तो इनका लिमिट भी चेंज करना होगा, चेंज कर रहे हैं तो क्या करना होगा लिमिट भी चेंज करना है, तो एक्स के स्थान पर क्या रखोगे पाई, क्यों एक्स का मान क्या है पाई, एक्स के स्थान पर यहाँ क्या रखेगा पाई और यहाँ पर क्या होगा पाई माइनस एक्स, ये माइनस एच को इधर लाएगा तो ये क्या हो गया जीरो हो गया ना, एच का मान जीरो हुआ कि नहीं हुआ। चलिए ये आपको लिमिट और एच टेंस टू अब क्या हो गया क्या नहीं लिखेंगे आप देखो तो सही, अब सब का यूज ना होगा बारी बारी से यूज होगा, वहाँ फकर मत लगाना। चलिए साइन हो गया
फाइव हो गया। एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे? एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे? तो देखो एक्स का मान क्या रखे हैं? पाई माइनस एक्स। क्या रखे हैं? पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर पाई माइनस क्या करना है? एच करना है। बटे देखो पाई, फिर एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे? पाई माइनस एच। एच टेंस टू जीरो साइन पाई माइनस माइनस पाई प्लस एच पाई इंटू पाई माइनस पाई प्लस क्या हो गया? एच। ये पाई खत्म, ये खत्म। देखो एक बटे पाई ये कांस्टेंट है तो ये क्या होगा? बाहर चलाएगा। क्या होगा? बाहर चला। देखो यहाँ पर पाई है ना, इनका कोई एकदम क्रिया नहीं होता है। एक बटे पाई बाहर आ गया। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो बचा किया साइन एच बटे एच वन साइन एच एच बटे क्या हो गया? एच। बोलो इनका मान क्या होगा? एक। नहीं होगा? yes. एक बटे पाई गुना एक क्या होगा? एक बटे पाई। ये इनका आंसर होगा। रखा नहीं बना तो देखो निकालो तो लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो क्या है? कोस टू एक्स माइनस वन बाय कोस एक्स माइनस वन कोस एक्स माइनस वन एक्स टेंस टू जीरो। अब देखिए कोस टू एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? कोस टू एक्स का वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स होता है। वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस रखोगे वन रखोगे। ये कोस एक्स माइनस क्या हो गया? वन। एक्स टेंस टू क्या हो गया? जीरो। अब देखो ये आपको सर ये कट वो करेगा, ये तो कट जाएगा मां डायरेक्ट। ये और ये आपको क्या हो गया? खत्म हो गया ना। तो माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बटा क्या होगा? इसमें माइनस कॉमन ले लो तो वन माइनस क्या होगा? वन माइनस कोस एक्स, कोस एक्स होगा। ये माइनस ये माइनस खत्म हो गया। ये दो कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दो। एक्स टेंस टू जीरो। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स बटे क्या होगा? वन माइनस कोस एक्स। अब देखो माइनस माइनस तो खत्म हो चुका है। यस सर। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो तो नहीं कुछ है तो वन का स्क्वायर कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? वन प्लस ए माइनस बी प्लस बी प्लस बी। तो वन माइनस क्या होगा? कोस एक्स। कट जाएगा सर जी। वन माइनस कोस एक्स वन माइनस कोस एक्स। अब देखो जय यहाँ पर एक्स का मान जीरो है तो यहाँ पर क्या रखोगे? जीरो। कोस जीरो का मान क्या होता है? सर वहाँ माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स है ना। हाँ देखिए ये माइनस ये माइनस कट गया। ये टू जो है बाहर आ गया, टू कॉन्स्टेंट है और दिक्कत है। देखो ये जो माइनस रहे ना ये माइनस कट गया, ये टू देखो ये तय है बोले ना। उतारते चलो सर जूनी ससाने फर्क होता है। इसका देखो जीरो हो गया।
सजीव रीता अंतर वो कर देता बन गया अब देखो उन्हीं सब क्या लिमिट x sec x x टेंस टू क्या जीरो sec x कौन क्या लेते हैं वन बटे cos x तो x वक्त क्या होगा cos x x का मान जीरो रखेगा cos यहाँ पर x है ना तो x के स्थान पर जीरो तो cos जीरो का मान एक होता है जीरो में एक से भाग देगा जीरो ही होगा लिमिट x टेंस टू क्या जीरो ये cos x है माइनस क्या है cot x बराबर लिमिट x टेंस टू जीरो वन बटे साइन x माइनस cos x बटे साइन x अब देखो इनका और इनका एलसीएम निकालेगा क्या होगा साइन x तो देखो वन माइनस टेन x क्या हो जाएगा cos x क्योंकि साइन x से भाग देगा साइन x में एक होगा एक में गुना करेगा एक ही होगा ये भिन्न का घटो जी समझ गए तो चलिए वन माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन एक्स बाय एक्स बाय टू और साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन एक्स बाय टू और कोस एक्स बाय टू अब देखो ये दो और ये दो कट गया ऊपर में दो गो साइन एक्स बाय टू है नीचे में क्या गो साइन एक्स बाय टू है ये गो तो कट गया ना तो बचा क्या साइन एक्स बाय टू और यहाँ पर क्या बचा कोस एक्स बाय टू तो क्या होगा साइन बटे कोस को हम क्या लिखते हैं एंगल एक्स बाय टू है तो एंगल क्या होगा एक्स बाय टू एक्स का मान क्या रखोगे जीरो तो जीरो में दो से भाग दो जीरो तो टेन जीरो डिग्री का मान क्या होता है वन होता है जीरो होता है जीरो तेईस नंबर का देखो सवाल तेईस नंबर का सवाल है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो उसके बाद है एफ एक्स और किसका मान निकालना है लिमिट एक्स टेंस टू वन अब देखिए आपको फंक्शन जो दिया है क्या दिया है बोलो तो टू एक्स प्लस क्या है थ्री एक्स लेस इक्वल टू जीरो उसके बाद है थ्री इंटू एक्स प्लस वन तो एक्स क्या हो गया ग्रेटर इक्वल टू जीरो ये हो गया चलिए अब जीरो जीरो पर हम क्या करते हैं मान निकालते हैं एक चीज याद रखिए कि जीरो पर जब हम मान निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए एक्स का मान क्या है जीरो से छोटा है या बराबर है जीरो से छोटा या बराबर है तो देखो जीरो से जैसे छोटा हो गया तो समझ जाओ किस लिमिट में जाएगा एल एच में आर एच में एल एच लिमिट में जी सर एल एच लिमिट अगर यहाँ पर हम एल एच लिमिट का मान निकालेंगे तो उसके लिए इस फंक्शन का प्रयोग करेंगे समझ गया ना फिर आर एच लिमिट में हम जाएंगे तो जीरो पर ना हम देखे देखना है कि जीरो पर किस पर जीरो पर तो अब देखो एक्स का मान जीरो से बड़ा है कि छोटा है वो एक्स के मान निर्भर करेगा से बड़ा अगर जीरो पर लिमिट एक्स टेंस टू क्या है जीरो है तो एक्स का मान अगर जीरो से बड़ा हो गया समझ गया ना आर एच लिमिट में चला जाएगा किसमें चला जाएगा आर एच लिमिट तो पहले तो आपको एल एच एल आपको लिखा है लिमिट में आर एच लिमिट और एल एच लिमिट ने लिखा है जी दो नाम शुरुआत दिन लिखा है ना अब देखिए यहाँ पर एल एच एल समझ गया लेफ्ट हैंडेड लिमिट लेफ्ट हैंडेड लिमिट तो यहाँ पर आपको क्या करना है एल टी मतलब क्या होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कर दिया और यहाँ पर माइनस दे देते हैं क्या देते हैं देने का मन है तो दो और नहीं देने का मन है तो नहीं दो नहीं भी देगा
अगर माइनस दे दिया ना ई एल एच एल नहीं हो लिखेगा तो काम चलेगा, इससे स्पष्ट होगा कि ये कौन लिमिट है, समझ गया ना। इसलिए यहाँ पर माइनस लगाते हैं क्योंकि मान तो उनसे घटते रहता है ना जी, ना देखो मूल बिंदु के बाई ओर जाओ मान क्या होगा, घटते रहेगा, दाई ओर जाओ होता है किसी भी रेखा पर, समझ गया ना, दाई ओर जाओ क्या होगा, मान बढ़ेगा, बाई ओर क्या होगा, नहीं घटेगा। तो देखो यहाँ पर x टेंस टू क्या ले लिए हैं, जीरो, और यहाँ पर एफ एक्स रख दो, क्या रख दो, एफ एक्स, ये लिमिट हो गया x टेंस टू जीरो माइनस। अब यहाँ पर ये जो एल एच लिमिट है तो कौन फंक्शन रहेगा, इसको हम फंक्शन बोलते हैं, फलन, ये होगा मान कि ये मान होगा ऊपर वाला, दो एक्स प्लस तीन होगा, नहीं होगा जी, क्योंकि एल एच लिमिट वाला मान तो ये ना है, तो यहाँ पर क्या देगा, टू एक्स प्लस थ्री। अब x का मान यहाँ पर जीरो रखेगा कि नहीं रखेगा, क्या हो जाएगा, तीन समीकरण एक। अब क्या करेगा, r h l कर दिया, ये लिमिट x टेंस टू क्या हो गया, जीरो प्लस, यहाँ पर क्या कर देगा, प्लस, ये सूचित करता है ये क्या है, जीरो से बड़ा, आर की लिमिट है, समझ गया ना। तो यहाँ पर एफ एक्स रख दिया, ये लिमिट x टेंस टू क्या हो गया, जीरो प्लस। अब एफ एक्स का मान जो है कौन लेगा, ये लेगा, ये लेगा, क्योंकि आर एच लिमिट वाला फंक्शन ये है, समझ गया ना। तो यहाँ पर क्या लेगा, थ्री इंटू एक्स प्लस वन, एक्स का मान क्या रखोगे, जीरो रखेगा ना, एक्स का मान क्या रखेगा, जीरो। तो बोलो यहाँ पर थ्री जीरो प्लस क्या हो जाएगा, वन, यानी थ्री। ये समीकरण आपका क्या हो गया, दो। तो अब लिखना है एक्स बराबर जीरो पर सीमा का अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व है। अगर बराबर नहीं होता, जैसे इनका एल एच का मान तीन आया ना, आर एच का मान क्या आ जाता, चार आ जाता, तो लिखते कि x बराबर जीरो पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। बराबर आ गया तो सीमा का अस्तित्व है, और बराबर नहीं आया तो सीमा का अस्तित्व नहीं है, अनलिमिटेड है, समझ गया ना। अब आप क्या करेंगे, सेम ही प्रकार से यहाँ पर वन लेंगे, क्या लेंगे, वन लेंगे, और यहाँ पर भी क्या लेंगे, वन। और देखो जीरो, उसका काम हो गया, सर नहीं, कौन थे जो जीरो दिया, ये वहाँ पे ये अभी निकाल लिए ना, अब ये पर एक है लिमिट निकालने के लिए, समझ गया ना। तो यहाँ पर जीरो की जगह क्या देगा, वन देगा, यहाँ पर भी क्या देगा, वन देगा, आप फंक्शन तो वही देगा जी सर। अब एक्स के स्थान पर क्या रखोगे, एक, और यहाँ पर भी क्या रखोगे, देखेगा कि मान बराबर होता है कि नहीं है, अगर नहीं होता है तो लिखेगा एक्स बराबर एक पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। अब कहेगा यहाँ तो जीरो है, यहाँ पर वन तो आइए नहीं है। तो देखो आप, देखो यहाँ पर आप जैसे ही जीरो से उधर जाओगे, तो देखो x का मान जैसे ही जीरो से घटेगा तो माइनस एक हो जाएगा ना, हाँ, ये देखो जैसे ही बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो कैसे पहचान करेगा कि ये जो है एल एच लिमिट का फंक्शन कौन होगा, आर एच लिमिट का फंक्शन कौन होगा, यानी एल एच का फंक्शन कौन, आर एच का फंक्शन कौन। यदि आप वन पर बात करते हैं तो हम बात करते हैं, छोट रहेगा या बराबर रहेगा, छोट रहेगा या बराबर रहेगा। तो बोलो ये एल एच लिमिट में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, यदि एक्स का मान वन से क्या रहेगा, बड़ा या बराबर, तो किस लिमिट में हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम जीरो बराबर दे दिया रहेगा, कोई बात नहीं, बराबर नहीं रहे, वन रहे, यहाँ पर ऐसे रहे, तो ये एल एच लिमिट ही है, आर एच लिमिट तो और आसान हो जाता है, क्लियर हो जाता है, नहीं हो जाता है जी, जिस बिंदु पर एकदम लेगा, समझ गया ना, उस बिंदु से तुलना करेगा कि एक्स का मान छोटा है कि बड़ा है। एल एच लिमिट मान लो कि हम दो लेते हैं, क्या लेते हैं, दो लेते हैं,
अगर 2 से x का मान छोटा या बराबर है तो क्या होगा? LS लिमिट, समझ गया ना? जी सर। और 2 से बड़ा या बराबर रहेगा तो क्या होगा? RH लिमिट, समझ गया ना? कभी मिस भी करेगा LS लिमिट और RH लिमिट को पहचानने में? नो सर। मिस भी करेगा उसके फलन को पहचानने में? यदि बराबर रहेगा तो? जब बराबर रह गया तो क्या होता है? fx बराबर क्या होता है? मान के चलो x है तो ये fx का मान निकल गया बराबर वाला मान, समझ गया ना? तब तो उसमें LS लिमिट RH लिमिट की बात ही नहीं होगा, समझ गया ना? तो उसका माने हो गया डायरेक्ट बराबर रह गया तो। और जब बराबर हो गया तो LH लिमिट RH लिमिट क्या करोगे? तो खत्म है। बराबर हो गया तो LH लिमिट RH लिमिट की बात होगा? नहीं होगा। बराबर नहीं है तब न हो रहा है, समझा कि नहीं समझा? जब बराबर हो जाए तो क्या करोगे? तो फलन का ना मान हो गया डायरेक्ट मान हो गया, फलन का हो गया ना? तब RH लिमिट LH लिमिट कहाँ से आएगा? और दिक्कत है? किसको दिक्कत है? चलिए छुट्टी हो गया। और एडमिशन 12th के लिए तुम लोग कराते चलो, विलम्ब नहीं करना है। एंट्री मिलेगा सर उसमें, तभी एंट्री मिलेगा। क्योंकि हम शुरुआत करेंगे, जो एडमिशन कराएगा उसको एंट्री देने देंगे। आपकी बार 12th में रूल चेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि लोग फ्री की पढ़ाई को और फ्री की दवाई को महत्व नहीं देते। फ्री की पढ़ाई और फ्री की दवाई की कोई महत्व नहीं है। सरकारी अस्पताल से भी कोई जाता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, लिखाओ तो जी। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। देखो मेरे साथ ही उतारते चलो, समझ गया ना? उसके बाद जैसे ही हम खत्म करेंगे एक बार समझा भी देंगे। तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो गया? जीरो। और उसके बाद फंक्शन क्या है इनका? फंक्शन अवेयर करके देखो। क्वेश्चन नंबर 25 लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा? जीरो एफ एक्स। अवेयर जहां आपको एफ एक्स का मान दिया है फंक्शन, बोलो फंक्शन का मान क्या है? एक्स बटे मोड एक्स बटे क्या हो गया? मोड एक्स कॉमा एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो फिर क्या है? जीरो कॉमा एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू में करना है, इक्वल टू नहीं होता है, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू, इज इक्वल टू मतलब बराबर है, समझ गया ना? इक्वल टू ये इक्वल टू क्या है? इक्वल टू, इक्वल टू एकदम कर रहा है। इज इक्वल टू चिन्ह एक्स टू जीरो एफ एक्स वेयर f बराबर क्या है? एफ एक्स बराबर है क्या? बराबर है एफ एक्स बराबर। तो देखो मोड x बटे क्या हो गया? x कॉमा एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब जीरो है, x इज इक्वल टू क्या है? जीरो है। तो देखो मोड x का दो गो अर्थ होता है, समझ गया ना? प्लस माइनस, मोड हटा दो प्लस माइनस लग जाता है। जैसे मान के चलो कि मोड दोनों लग जाता है, दोनों लग जाता है। जैसे मोड हटाएगा ना तो प्लस माइनस x हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस माइनस x। तो देखो मोड x का मान माइनस x कब होगा? मोड x का मान माइनस x कब होगा? जीरो से छोटा होगा। जब एक्स जो है जीरो से छोटा होगा, एक्स का मान जीरो से छोटा होगा। देखो साधारण रूप से भी छोटी सोचो, x जब जीरो से छोटा होगा तो इसका अर्थ है जीरो से छोटा नेगेटिव में होता है, नेगेटिव होता है ना? माइनस वन माइनस टू, इसलिए जीरो से छोटा हुआ तो मोड हटाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस x हो जाएगा। देखो अब छोटा बड़ा कमा चिन्हो, तो बड़का मुँह जेना रहे छे ने बड़ा बोले, छोटका मुँह जेना छे छोटका बोले, समझ गेलो? उसी प्रकार से अब देखिए, तो ये जो है मोड एक्स बटे एक्स, तो अब जीरो से छोटा है तो क्या करोगे बोलो? माइनस एक्स लेगा ना, एक्स से भाग दिया, क्या हो गया? माइनस वन। ये देखो फंक्शन पहले सही नहीं है, पहले क्या करना है? फंक्शन को सही करना है। पहले क्या करना है? फलन को सही करना है। इनेन दिया हुआ है जो एक्स जीरो से छोटा है, इसलिए डज नॉट कर दिया है। या तो एक्स जो है जीरो से बड़ा है, एक्स या तो जीरो से बड़ा है या तो छोटा है,
अब बराबर नहीं है नहीं यही ना जब बराबर रहता तब तो मामले सोल्व था जी तो अगर देखो बराबर है तब तो मान डायरेक्ट जीरो हो जाता है दे ही दिया है इसमें दे दिया है तो इसलिए ना दो को कंडीशन पर विचार करना पड़ जाएगा जब जीरो के बराबर नहीं है तो या तो छोटा है या तो बड़ा है अब देखो मोड एक्स का मान प्लस एक्स कब होगा जब एक्स का मान जीरो से बड़ा होगा तो उस स्थिति में फलन देखो मोड एक्स बाय क्या है एक्स है ना तो मोड एक्स का मान क्या होगा एक्स कट हो गया एक एक आ गया ना जी अब फलन को सही से लिखो एफ एक्स बराबर क्या हो गया इसको फलन बोलते हैं क्या बोलते हैं फलन बोलते हैं तो देखो इसका मान माइनस वन कब जब एक्स जीरो से जीरो छोटा होगा अब और बढ़िया से लिखना होता है यहाँ पर लिख दो वैन प्लस वन कब होता है जब एक्स का मान जीरो से बड़ा हो जीरो कब होता है जब एक्स बराबर जीरो जीरो तो तीन को मान आ गया किने आया अब आपको कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नहीं जी एक्स टेंस टू नहीं जीरो तो देखिए जीरो पर क्या कि सीमा का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा जीरो पर सीमा का अस्तित्व होगा कि तो देखो सीमा का अस्तित्व होने के लिए एल एस लिमिट आर एस लिमिट का मान क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए तो पहले तो आपको एफ जीरो बराबर क्या दिया है बोलो तो जीरो जीरो है ना एफ जीरो बराबर क्या है जीरो नहीं है यस सर ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया फिर क्या लेगा एल एच एल एल एच एल लेफ्ट हैंडेड लिमिट समझ गया लेफ्ट हैंडेड लिमिट तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ये माइनस हो गया ये एफ एक्स तो बोलो लेफ्ट हैंडेड लिमिट कौन होगा इनका फलन क्या होगा लेफ्ट हैंडेड का नहीं होगा यहाँ पर क्या करेगा माइनस वन ये समीकरण आपका क्या हो गया दो समझ गया ना ये समीकरण आपका दो हो गया अब देखो आर एच एस ये आर एच एल आर एच एल एक्स टेंस टू जीरो प्लस अब यहाँ पर देखो द लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा जीरो प्लस एफ एक्स वन इनका मान क्या होगा वन आया है ना जी सर ये समीकरण आपका क्या हो गया तीसरा हो गया माइनस वन समीकरण दो का नाम है यहाँ पर देखो माइनस वन है ना जी सर इसलिए हुआ इक्वेशन वन टू एंड थ्री थर्ड देखो एफ जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो LHL डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया आर एच एल है बराबर नहीं है नो सर तो लिखेगा सीमा स्थिति में नहीं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स डज एग्जिस्ट अस्तित्व ये जो है एक्स बराबर जीरो पर सीमा का अस्तित्व नहीं है टच का लिमिट एक्स टेंस टू देखिए लिमिट को एल टी या एल आई एम लिखते हैं लिमिट को हम एल टी या एल आई एम शॉर्ट रूप में लिखते हैं एक्स टेंस टू क्या है फाइव है ना एफ एक्स हो गया एफ एक्स क्या है फंक्शन एफ से क्या होता है फंक्शन अब देखिए जहां आपको एफ एक्स का मान दिया है मोड एक्स माइनस फाइव हो गया अब क्या करना है एल एच लिमिट और आर एच लिमिट निकालना है ना तो एल एच एल एल एच एल करते हैं फुल फॉर्म क्या होता है लेफ्ट हैंडेड लिमिट समझ गया ना अब देखो लिमिट एक्स टेंस टू क्या करेगा प्लस देंगे कि माइनस क्या सर पांच पर प्लस देंगे कि माइनस पांच पर माइनस देंगे एफ एक्स हो गया
और लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस बोलो ये जो LH लिमिट वाला फंक्शन कौन होगा सर LH लिमिट वाला फंक्शन कौन होगा माइनस 5 यही ना होगा जी यही RH का भी होगा और LH का LH का भी होगा समझ गया ना अब यहां पर ट्रिक किया है कहीं पर दो को फंक्शन दिया रहता है यस सर और जहां पर एक ही फंक्शन दिया रहे तब क्या करेगा तब ये के कौन फंक्शन है जी तो यहां पर क्या लिखेगा मोड x माइनस 5 ऐसे गिर दिया जी सर लिमिट x टेंड्स जी 5 माइनस किया रहिए ये मान के सिंबल है कि LH लिमिट है समझ गया ना दोनों LH लिमिट का सिंबल है माइनस कहां पर दोनों जगह इधर भी पहुंच l लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस फिर आप x इधर देखो नए मोनाइन देने का नहीं तो हम LH लिमिट लिख दिया है ना आई नए लिखेगा ना माइनस दे दिया तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि LH लिमिट है समझ गया ना लेफ्ट हैंड लिमिट आ लिखने का मन है तो लिखो आ नहीं लिखने का मन है तो नहीं लिखो कोई बात नहीं है चलिए तो अब LH लिमिट में मोड x का मान क्या होगा माइनस 5 क्या होगा माइनस हो जाता है ना हो जाता है जी जी सर मान के चलो कि ये मूल बिंदु है इधर चलते हो लेफ्ट साइड क्या होता है नेगेटिव होता है ना तो l से क्या हो गया लेफ्ट तो हो गया बाईं तरफ r से राइट हो जाता है आपके दाईं तरफ आप भी जानते हो इधर पॉजिटिव होता है इधर x का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव में होता है उसी प्रकार से LH लिमिट है इसलिए आपको क्या होगा मोड x का मान माइनस x होगा तो यहां पर माइनस x हो गया फिर ये क्या है माइनस 5 अब देखो x का मान क्या रखोगे 5 तो माइनस 5 माइनस 5 कितना हो गया माइनस 10 ये समीकरण क्या हो गया एक फिर देखिए r h l ये हो गया और लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा 5 प्लस हो गया ना यहां पर fx देगा लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया 5 प्लस अब fx का मान क्या है मोड x माइनस 5 माइनस 5 है ना यस सर अब देखो इसके लिए मोड x का मान क्या होगा प्लस प्लस 5 एक्शन होगा जी यस सर नेगेटिव नहीं लगेगा राइट हैंड साइड तो ये माइनस यहां पर 5 हो गया अब देखो x का मान क्या रखेगा प्लस रखेंगे प्लस 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 क्या हो गया ये समीकरण क्या हो गया हो गया ना तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो देखो एल एच एल बराबर है आर एच एल का नहीं नहीं है इसीलिए देखो दोनों का मान जैसे इसका 10 माइनस 10 आया ना इनका भी मान माइनस 10 आ जाता एल एच एल और आर एच एल क्या होता बराबर होता और x बराबर 5 पर जो है सीमा का अस्तित्व होता होता अभी बराबर नहीं हुआ है इसलिए x बराबर 5 पर सीमा का अस्तित्व नहीं होगा नहीं आप लिखना चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो f x does not exist at x बराबर 5 या नहीं तो इस प्रकार से लिमिट x टेंड्स टू 5 fx डज नॉट fx बराबर आपको क्या दिया है a प्लस bx कॉमा a प्लस bx कॉमा x लेस देन 1 ये लेस देन 1 देखो पढ़ेगा इनको कैसे x लेस देन 1 x 1 से छोटी है पोलर देन 1 समझ गया ना x 1 से छोटी है या 1 ग्रेटर देन x या 1 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन x तो बड़का अंक जो है बड़का संख्या हो बोला बड़का मुंह कने छे एक 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 वाला छे छोटका मुंह कने छे एक छोट सिकुरल का छे एक दिस फेरल का देखो ई हड़म्बा कने भागल वन के तरफ हिडिम्बा कने छ एक्स के तरफ इस प्रकार से भी समझिए
अब दूसरा फंक्शन क्या है फोर कोमा जी सर फोर कोमा इक्वल टू टू वन है वन हो गया अब क्या है बी माइनस एक्स बी माइनस ऐसे है उसके बाद एक्स ग्रेटर देन वन ये है अब देखो ये आपको दे दिया है और क्या लिखा है और यदि और यहाँ पर एक चीज और दे दिया है और यदि लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स बराबर एफ वन तो लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स बराबर एफ वन तो एफ एक्स बराबर क्या होता है एफ वन होता है चलिए तो ए और बी के संभव मान क्या है संभव मान क्या है ऐसे लिमिट लिख दिए एक्स टेंस टू क्या हो गया माइनस वन माइनस वन लगेगा इसमें एल एच एल है समझ जाओ ये क्या है एल एच एल है एफ एक्स का मान एल एच एल के लिए क्या होगा निगेटिव कौन होगा इस फंक्शन में ऊपर वाला या नीचे वाला ऊपर वाला हम बताए ना कि तुलना करना अगर बिंदु एक पर कर रहा है समझ गया ना तो एक्स का मान एक से छोट है या बराबर है छोट या बराबर तो एल एच हो जाता है बड़ा या बराबर तो क्या हो जाता है आर एच क्या होता है जी सर तो वन पर न कर रहा है तो देखना है कि वन से जो है एक्स छोटा है कि बड़ा है अगर छोटा है तो एल एच अगर बड़ा है तो आर एच ठीक लिखाए थे ना जी तो इनके लिए फंक्शन इसका हम प्रयोग करेंगे ए प्लस बी एक्स ए प्लस क्या होगा बी एक्स होगा और देखो इनके बराबर क्या होता है एफ वन इनके बराबर क्या होता है एफ वन का मान देखो क्या है फोर देखो एक्स का मान यहाँ पर वन रखेगा जी यस सर एफ वन का मान क्या निकलेगा फोर तो यहाँ पर क्या दोगे फोर देगा यहाँ पर आप देखो एक्स का मान यहाँ पर क्या रखोगे मान वन ए प्लस बी बराबर क्या हो गया चार ये समीकरण एफ फोर का मान यहाँ पर हिसाब में आपको चार दिया है नहीं दिया है और कोई दिक्कत है और यहाँ एक्स का मान वन है ना तो यहाँ पर क्या रखेगा वन एफ वन का मान क्या हो गया फोर ये हो गया अब देखो अगेन पुनः लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो गया वन प्लस उसके बाद देखो ये आपका एफ एक्स बराबर क्या होता है एफ वन होता है ना यस सर अब देखो ये आर एच लिमिट आपका हो गया क्या हो गया जी इनके लिए कौन फंक्शन लेगा लेगा ना जी सर तो ये लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो गया वन प्लस फंक्शन क्या लेगा बी माइनस बी माइनस ए एक्स पुनः एफ वन का मान क्या है फोर चार है ना यस सर अब क्या करोगे एक्स का मान वन यहाँ पर रखोगे ना यस सर तो क्या होगा बी माइनस ए बराबर फोर बराबर चार हो गया समीकरण ये समीकरण क्या हो गया दो अब समीकरण क्या है अच्छा इनको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं बी प्लस ए बराबर चार यस सर लिख सकते हैं लिख सकते हैं जी जोड़ में इधर करो कि उधर करो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बी प्लस ए बराबर फोर चार हो गया ये समीकरण आपका क्या हो गया एक कट गया टू बी बराबर एट टू बी बराबर क्या हो गया एट बी बराबर फोर नीचे क्या हो गया आठ तो बी का मान क्या हो गया चार अब बी का मान इक्वेशन समीकरण दो एक में रखने पर ए बराबर चार माइनस चार अब देखिए एक में एक क्या है बी प्लस बी का मान छूट गया ए बराबर क्या हो गया चार हो गया ना क्या चीज बी का मान लिखा बी का मान छूट गया एक में रखा मान में लिखा तो अपना लिखा नो ये चीज अपना लिखते हो वहाँ में रिकॉर्ड है वहाँ तो हुआ बी का मान देखो यहाँ पर लिखना है तो लिख दो बी का मान समीकरण में बी का हो जाए इधर लिखा गया बी का मान अब हुआ ठीक मन के लायक अब खुद हुआ यस सर नहीं हुआ कुछ तू सच खुश चलो बी के जगह क्या रखोगे चार चार जोड़ ए बराबर क्या हो गया ए बराबर चार माइनस चार जीरो जीरो हो गया ना अब बी का मान क्या हो गया चार ये आंसर हो गया
देखो एफ एक्स में आपको दिया है, यह है इस प्रकार से एक्स माइनस ए वन हो गया, उसके बाद है एक्स माइनस ए टू, ऐसे चलते रहता है। एक्स माइनस क्या होता है एन, यहाँ पर है ना। उसके बाद आपको जो निकालना है लिमिट एक्स टेंस टू ए वन एफ एक्स, ये निकालना है। तो लिमिट हो गया एक्स टेंस टू क्या हो गया ए वन, इनका ये मान रखो एक्स माइनस क्या होगा ए वन एक्स माइनस ए टू डॉट डॉट एक्स माइनस क्या होगा एन, ये मंथली कोस्ट से घेर दो। लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो गया ए वन। अब देखिए, अच्छा ये तो फंक्शन लिख के दिए हैं ए वन, यहाँ पर बैठा दो ए वन माइनस ए वन, ए वन माइनस क्या होगा ए टू डॉट डॉट ए वन माइनस क्या होगा एन। देखो ए वन में से ए वन गया क्या हो गया जीरो, कितना भी संख्या क्यों नहीं जीरो होगा, जीरो होगा ना। यस सर, ये आंसर हो गया, आंसर हो गया जी सर। उसके बाद आपको एफ एक्स का मान दिया है मोड एक्स प्लस वन, ये हो गया, ये जीरो है, एक्स बराबर क्या है जीरो है। उसके बाद मोड एक्स माइनस वन, ये जो है आपको एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये है ना। उसके बाद देखो पहला है कि एक्स बराबर जीरो पर ना, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, एफ एक्स का मान देखो क्या है जीरो। ये एल एच लिमिट में कौन होगा एफ एक्स का फंक्शन क्या होगा, उस मोड मोड एक्स वाला होगा, परला वाला होगा ना। तो मोड एक्स प्लस क्या होगा वन, वन एक्स का मान जीरो रख दो, वन हो गया। उसके बाद लिमिट आर एस में चलना है, समझ गया ना। एफ एक्स हो गया, एक्स टेंस टू क्या होगा जीरो प्लस मोड एक्स माइनस वन बराबर वन माइनस वन क्या होगा, तो ये समीकरण वन हो गया। ये समीकरण क्या हो गया, तो इक्वेशन समझा दो लड़का को। ये प्रूव्ड नहीं होगा, एल एच एल डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया आर एच एल। तो देखो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, बत्तीस में देखो फंक्शन का मान आपको क्या दिया है बोलो तो, एफ एक्स का मान आपको क्या दिया है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन कॉमा एक्स लेस देन जीरो, ये लेस देन जीरो हो गया। उसके बाद क्या है एन एक्स प्लस एम, एन एक्स प्लस एम कॉमा उसके बाद क्या है जीरो लेस देन इक्वल टू, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स, ये लेस इक्वल टू किसके बराबर है वन। फिर क्या है एन एक्स क्यूब प्लस एम, एन एक्स क्यूब प्लस एम प्लस एम कॉमा एक्स ग्रेटर देन वन, इकतीस में जो है ना जहाँ पे एक्स एक्स है वहाँ पे एक एक्स जो पे एक रख करके मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए गिवन आपको क्या दिया है, कह रहा है एक्स टेंस टू आपको क्या हो गया जीरो एफ एक्स, एंड लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो गया वन एफ एक्स। सीमा का क्या है अस्तित्व है, सीमा का क्या है अस्तित्व है। तो इसीलिए देखो
जो नो आता है उसमें बराबर होगा कि नहीं होगा? एल एच लिमिट आर एच लिमिट बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका सीमा का अस्तित्व है, इसलिए एल एच लिमिट आर एच लिमिट क्या होगा? बराबर होगा, बराबर होगा। अब देखो लिमिट हो गया x टेंस टू जीरो, इनका एल एच वाला फंक्शन कौन होगा जीरो का? क्या हो गया बराबर? आर एच वाला कौन होगा फंक्शन? ये होगा नहीं सर, ऊपर वाला। इसमें जीरो का चर्चा है भी जी, क्या बोले हैं? अगर जीरो पर ले रहे हैं तो एक्स जीरो से छोट हुआ तो एल एच, जीरो से बड़ा हुआ तो आर एच। तो देखो तो जीरो से बड़ा नहीं है एक्स, यहाँ पर एन एक्स प्लस एम होगा, ये ना होगा फंक्शन, समझ गया ना? नीचे वाला भी जीरो से बड़ा, जीरो है ये ना? मारबो तक मेरी वन वाला जो दू गो फंक्शन नहीं है, देखी ई वन के ना तुलना करबी, जीरो जते लागल छी ओते ना जीरो के तुलना करबे। देखिए ये यहाँ पर आपको है ना, ये इनका क्या हो गया एल एच हो गया, समझ गया? जीरो से तुलना करेंगे, जीरो पर ले रहे। अब यहाँ पर देखो एक्स जीरो से बोल रहे तो आर एच ने हो गया, इसमें जीरो है तो एक से बड़ा है। देखो एम एक करब एल एच अकॉर्ड के लिए जो है ना ई भाई ते आर एच ई भाई ते, अब देखिए एक्स के स्थान पर क्या रखे जीरो, एन हो गया और यहाँ पर आप रखेंगे जीरो, क्या होगा? तो एन बराबर क्या हो जाता है? तो यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू वन माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू वन प्लस एफ एक्स, इनका फंक्शन क्या होगा? तो देखो एल एच है ना, एक्स का मान देखो वन से छोटा कहाँ पर है? एन एक्स प्लस एम होगा, एन एक्स प्लस एम होगा। अब बड़ा कहाँ है? एन एक्स क्यू प्लस एम। अब एक्स के स्थान पर क्या रखेगा? इसमें वन माइनस रखेंगे, एन प्लस वन माइनस है कि सूचक है जी? राजू क्या रखे ये एक क्यू बन, ये सूचक है एल एच लिमिट का, समझ गया? निगेटिव देते हैं। अब देखिए वन रखो यहाँ पर क्या होगा? वही होगा एन प्लस एम होगा जीरो।